पहले तो हमारे पास जो डॉग होते थे वो खाली स्निफर होते थे। उसके बाद केपीओ के अटैक के बाद हमारे मौजूदा आईजीपी साहब ने उनकी पॉलिसी थी कि आप एग्रेसिव डॉग जो है आप परचेस करें और उनको रिप्लेस करें। हमने रॉटवीलर डॉग, अल्सेशन और बेल्जियम शेपर्ड ये हमने परचेस किए हैं। जैसे टेररिस्ट कहीं आता है तो पहले हम अपना डॉग को छोड़ेंगे उस पर, वो स्नैपर साथ होगा उसके, वो उसको हिट करेगा टेररिस्ट को। जैसे हम किसी सोल्जर को सेलेक्ट करते हैं ना, इसी तरह हम कुत्तों में भी इनकी समझदारी, दिमागी तौर पर तेज, एक्टिव और इंटेलिजेंस की वजह से हम उनको उठाते हैं। तो पहले हम इनके साथ रिलेशनशिप कायम करते हैं। रिलेशनशिप कायम होने के बाद जिस तरह हमारा प्यार इनको मिलता है खेलते खेलते, तो उसके बाद हम इनको ओबीडियंस ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते, उसके बाद हम इनको टेक्निकल ट्रेनिंग पर डालते। अक्सर औकात में हम खुद इनके साथ जब एग्रेशन वॉर डॉग की ट्रेनिंग, तो उस पर जब हम ट्रेनिंग पे डालते हैं तो हमें लाजमी बात है अटैकर भी खुद बनना पड़ता है और एम भी खुद बनना पड़ता है, तो उस दौरान हमें चोटें भी आती है। इसकी ज़िंदगी और उसका जो रिस्पांस है ना, वो उसी हैंडलर पे होता है जो उसके साथ ड्यूटी कर रहा होता है। अगर ये हमारी बचाव के लिए आगे बढ़ रहा है तो हमारी ड्यूटी होती है कि हम इसकी प्रोटेक्शन करें, बैक सपोर्ट करें।